Hello, friends, back to the same topic that is from the control and coordination. I have decided to discuss the Antogrind system first of all to all of you. So, before discussing that, I would uh, also s uh, tell you that there is an another video of control and coordination in the description box. You can also watch that video uh, in order to have a link between the two.

सो एक्जोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्स होते हैं सिक्रीशन के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारा स्वेट ग्लैंड या सिलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं हमारे माउथ में और स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट को सिक्रीट करते हैं ओवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये वो होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होते और ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डालते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ एक्शन फॉर एग्जाम्पल पिच्यूटरी एंड ग्लैंड वेयर एज पैनक्रियाज़ या गुनाइट्स की बात करें तो पैनक्रियाज़ की बात यह है कि ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागन और इसके साथ साथ ये पैनक्रिएटिक जूस को भी सिक्रीट करता है एक डक्ट में दैट इज़ वाई ये एक्सोक्राइन का काम भी करता है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस ग्लैंड होते हैं और वो हॉमोन्स को सिक्रीट करते हैं हारमोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और वो मैसेजेस को एक ऑर्गन से उस दूसरे टिश्यू या ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाते हैं प्रोबेबली ये ब्लड स्ट्रीम में ही अपने मैसेज को भेजते हैं ये ग्लैंड ग्रोथ को डेवलपमेंट को हमारे रिएक्शंस को हमारे रिप्रोडक्शंस को कंट्रोल करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमलाई के रिस्पॉन्स uh, में इंटरनल बैलेंस को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिसका काम हाइपोथैलेमस करता है हमारी बॉडी में हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय दी हीमोस्टेसिस कंडीशन सो हाइपोथैलेमस ये काम करता है इसीलिए हाइपोथैलेमस कुछ एक हार्मोन्स भी सिक्रिएट करता है जिसकी जिसके साथ वो हीमोस्टेसिस को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है हारमन्स जो है वो टारगेट सेल्स पे जाते हैं और हारमन्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप यही कहेंगे ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में पोर किए जाते हैं और टारगेट सेल पर एक्ट करते हैं किसी और सेल पर एक्ट नहीं करते ये डेरीवेटिवस होते हैं अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन्स के और स्टीरोड्स के अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को ह्यूमन बींग्स में यहाँ पर बात करें तो एक डायग्राम के थ्रू आई हैव पिक्चराइज दिस दैट द फर्स्ट इज पिचुट्री ग्लैंड और हाइपोथैलेमस इसी के साथ है देन इज थायर जो आपकी नेक में है और उसी के साथ पैराथायरइड भी होता है देन किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है फिर पैनक्रियाज होते हैं फीमेल्स में ओवरी और मेल में टेस्टीस होते हैं इसके अलावा यहाँ चेस्ट में हमारी एक और ग्लैंड होता है दैट इज थाइमस ग्लैंड दिस इज द परफेक्ट पिक्चराइजेशन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड पैराथायराइड थाइमस पैनक्रियाज एड्रिनल टेस्टीस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल्स नाउ आई विल टेल यू इन डिटेल द फंक्शंस एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम ईच ऑफ देम इन डिटेल द फर्स्ट इज आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जो आयोडाइज सॉल्ट है ये बहुत नेसेसरी होता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके नेक में एक ग्लैंड होता है जिसे हम थायरइड ग्लैंड कहते हैं और उसकी फंक्शनिंग के लिए थायरॉक्सिन बहुत ज़रूरी होता है और थायरॉक्सिन के बनने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होती है सो so, अगर ऐसा है तो हमें अपनी डाइट में आयोडीन को इंक्लूड करना पड़ेगा सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द था ग्लैंड क्योंकि अगर वो नहीं वर्क करेगा तो उसकी डेफिशिएंसी से हमें एक डिजीज़ हो जाएगा जिसे गोइटर कहते हैं जिसकी वजह से स्वोलन नेक हो जाती है यानी हमारी नेक फूल जाती है मोरवर अगर हम बात करें इन्हीं से रिलेटेड आगे थायरॉक्सिन की या अलग अलग हॉर्मन्स की तो पहले हम बात करते हैं टॉप से जी एच जी एच को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और इस ये सारे सेल्स पे टारगेट करता है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है रिपेयर करता है बट इसके ज़्यादा सिक्रीट होने से पर्सन की हाइट बहुत बड़ी हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज जाइेंटिज़म और इसके कम सिक्रीट होने से पर्सन की हाइट बहुत छोटी हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज डॉफ़िज़म मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज टी एस एच इसे हम कहते हैं थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ये हमारे थायरयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायरॉक्सिन को बनाता है या ट्राई आइडो थायरॉनिन को बनाता है और हमारी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बना कर रखता है देन इज़ ए सी टी एच जिसे हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हारमोन इसे एड्रिनल्स सिक्रीट करते हैं और ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाएँ दैन इज़ प्रोलेक्टिन पी आर एल प्रोलेक्टिन और ये ह्यूमन फीमेल की ब्रेस्ट में बनता है और ये मेमेरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है और मिल्क की फॉर्मेशन कराता है ताकि वो अपने यंग वंस को फीड कर सकें मोर ओवर एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और इसका काम होता है गुनाइड की एक्टिविटी यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक्टिविटी करना हॉर्मोन्स की सिंथेसाइज कराना उनको सिक्रीट करवाना फॉर एग्जाम्पल टेस्टीज से एंड्रोजन्स निकलते हैं जिससे टेस्टोस्टिरन बनता है और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन निकलते हैं जो कि फ़ीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं मूविंग ऑन टू दी थायरॉक्सिन जो कि हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है और उसी के साथ हमारे नेक में पैराथायरड होते हैं जो कि पैराथॉर्मन सिक्रीट करते हैं और हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली कैल्शियम का बैलेंस बनाते रहते हैं आप जानते हैं हमारी बोन्स में बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड कंटिन्यूसली ये कैल्शियम निकलता रहता है और ब्लड स्ट्रीम से जाता रहता है निकलता रहता है बोन में से और ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से ये कैल्शियम डिपॉजिट भी होता रहता है हमारी बोन्स पे सो so ये निकलना और फिर बनना इट इज़ ड्यू टू दी पैरथार्मन ये पैराथॉरिड ग्लैंड करता है सो इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी हाउ एवर द सेकेंड ग्लैंड द नेक्स्ट ग्लैंड विच इज एड्रीनल एंड लोकेटेड जस्ट अबव द किडनीज ये एमरजेंसी ग्लैंड है क्योंकि ये एड्रीनालिन सिक्रीट करता है जो कि एक एमरजेंसी हार्मोन है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्योंकि एड्रिन के सीक्रेट से समथिंग हैपन्स टू अवर बॉडी दैट इज सबसे पहले हमारा बीपी बढ़ेगा हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा हमारा हार्ट फास्ट पंप करने लग जाएगा हमारा फूड ब्रेक होकर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन उसको मिलेगा और हमारी ऑक्सीजन जो मिलेगी हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी फूड को ब्रेक करके और उस एनर्जी से या तो हम लड़ पाएंगे या फिर हम भाग पाएंगे उस सिचुएशन से जो भी इमरजेंसी की सिचुएशन बनी है तो एड्रेनालिन हार्मोन हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है देन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलिन हारमोन इंसुलिन हारमन और ग्लूकागन हार्मन ये दोनों ही हॉर्मोन पैनक्रिया से क्रिएट करती है टॉकिंग अबाउट दी इंसुलिन हारमन एंड ग्लूकागन हारमन डिज़ीज़ जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाती है वो डायबिटीज़ होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है यानी कि जब हम शुगर्स खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं बाय द एज ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है अब कम प्रोडक्शन होने के कारण हमारी बॉडी का जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो कौन मेंटेन करेगा इट इज़ नॉट मेंटेन बाय अवर बॉडी ऐसी सिचुएशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं एंड डैट टू अगर हम इसका पूरा नाम जानें तो उसे डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं एम ई डबल एल आई टी यू एस मेलिटस ये जो डायबिटीज़ मेलिटस है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ग्लूकोज़ के लेवल को कम करने के लिए हमें या तो इंसुलिन की इंजेक्शनस लेने पड़ते हैं या फिर हमें इंसुलिन की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं लेकिन अगर हम पैनक्रियाज़ के दूसरे हार्मोन की बात करें जिसे हम ग्लूकागन कहते हैं ग्लूकागन इसके जस्ट ऑपोजिट काम करता है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ये 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 काम कैसे होता है अब हम समाइम्स क्या होता है कि हम फास्ट रखते हैं एंड ड्यूरिंग द फास्टिंग वी हैव नो एनर्जी इन दैट केस हमारी बॉडी के फैट में जो एनर्जी पड़ी हुई है उसको ब्रेक करके ग्लूकागन जो है वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है राइट right? तो इसका काम होता है इंसुलिन का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना यानी फैट में कन्वर्ट करना एक्सेस ऑफ शुगर को हमारे ब्लड से निकालना वेराज ग्लूकागन का काम होता है हमारी बॉडी के ग्लाइकोजन को यानी फैट को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना सो दीज आर द टू एंटागोनिस्टिक फंक्शंस ऑफ दीज टू हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज then is testes testes all of you know that it is a male hormone it secretes testosterone aur ye growth aur development ko control karta hai male reproductive system ke moving on to the female organs that is ovaries ye secrete karte hain estrogen and progesterone जिसमें estrogen mainly काम करता है female की growth को जो कि female की characteristic development होती है उसको control करता है उनके figure को control करता है और प्रोजेस्टिड इज इस बेसिकली अ प्रेगनेंसी हार्मोन और इसके लेवल्स प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ज़्यादा बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं आपके एक माइंड में मैनेज करने के लिए कि हाउ डीज वर्क आप सोचोगे कि हर टाइम ये सिक्रीट होते रहते हैं एवरी थिंग इज़ डन बाई दीज हार्मोन्स तो ये हर एक वक्त सिक्रीट होते होंगे बट ऐसा नहीं है एक्चुअली देर इज़ अ फीडबैक मकैनिज़म टू कंट्रोल दिस सबसे पहले सपोज़ एक एग्जाम्पल लेते हैं शुगर लेवल का हमने खाना खाया खाना खाने के बाद कई लोग शुगर भी खाते हैं या मीठी चीज़ भी खाते हैं बल्कि खाने में भी बहुत सारी शुगर होती है बिकॉज चपाती राइस ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द वेरी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो शुगर सो शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस और ये हमारे पैनक्रज़ के सेल डिटेक्ट कर लेते हैं और इमिजिएटली जिन सेल्स को आइसलेट्स ऑफ लैंगर कहते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं इंसुलिन जैसे ही बढ़ता है ब्लड का शुगर लेवल कम होने लग जाता है और बॉडी सिक्रीट करना बंद कर देती है इंसुलिन को ऐसे मकैनिज़म को हम स्विच ऑफ या फीडबैक मकैनिज़म कहते हैं जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का लेवल जब फॉल हो जाता है तो वहाँ से एक मैसेज मेन ऑर्गन तक जाता है कि अब पैनक्रियाज तक मैसेज जाएगा कि अब सिक्रीशन करना बंद कर दो क्योंकि बॉडी के शुगर का लेवल मेंटेन हो गया है एड्रिनल ग्लैंड को दिखाने के लिए ये पिक्चर ली गई है किडनीज के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है एंड देर इज राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रनल ग्लैंड और उसके आउटर मोस्ट पार्ट को कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को मेडिला बोलते हैं देन आपके पास एक एग्जाम्पल है दिया है मैंने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है इधर इन दिस फॉर्म जैसे आपने ग्वाइटर पढ़ा ग्वाइटर कैसा डिजीज़ है ये थायराइड का डिजीज़ है नेम ऑफ द ग्लैंड थायराइड डायबिटीज़ मेलेटिस किसका डिजीज़ है पैनक्रियाज़ का जाइजेंटिज्म किसका डिजीज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड का डायबिटीज़ इनपी किसका डिजीज़ है ये पैनक्रियाज़ का क्रिटिनिज्म किसका डिजीज़ है ये थायराइड का एक्सपोथेलमिक गाइटर किसका डिजीज़ है थायराइड का ऐसे भी आ सकता है कि ये आपका ऑर्गन है ये इसका हार्मोन और ये इसका फंक्शन बताइए तो इट इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट इसके बाद एक एंडोग्राइन सिस्टम का सब डिविज़न शो किया गया कि सबसे बड़ा ऑर्गन जो हाइपोथेलमस है वो रिलीज़ करता है पिचुट्री में एक काम पिचुट्री करता है और अपना इफेक्ट डालता है पिचुटरी किसी और ग्लैंड को भी अपना काम दे के को सिक्रिएट करवा सकता है या सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही अपना काम देकर टारगेट ऑर्गन पे अपना इफेक्ट क्रिएट कर सकता है तो दिस इज़ हाउ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स So this is the way how the human endocrine system and various organs act accordingly. I hope you like this video because it has a brief account as given in the NCIT and also some extra knowledge about the endocrinal system. And I think it is the easiest way to learn all these things along with their symbolism. So Stay tuned to my channel and have a nice day. Please like and do comment at my video, which will give me some more inspiration to make a certain other videos. Thank you. Have a nice day.